हस्बैंड ने ऐसे किया कि उसके कुछ पिक्चर्स जो के उसकी मोडेस्टी को डैमेज कर रही डैमेज थी, करी थी, ठीक है। तो आफ्टर डिवोर्स उन्होंने वो पिक्चर फेसबुक पे अपलोड कर दी। ठीक अगर है, एक रॉन्ग कॉल आ गया लेकिन उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ क्राइम, ठीक है। ठीक है। और अगर समवन आपकी फेक आईडी बनाता है, दिस इज़ अ क्राइम, नहीं उसकी पनिशमेंट। मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। जी वहाँ मैसेजेस अगर तो रिपीटेडली आपको आते हैं, अगर आपकी सिम पे आ रही है मैसेज आपको, देन यू विल रिपोर्ट टू द पीटीए। ये मैसेज आपको वेबसाइट पे आ रहे हैं, आपको मैसेंजर पे आ रहे हैं, आपको ईमेल पे आ रहे हैं, देन यू विल रिपोर्ट टू द एफआईए। 2016 के एंड में उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड एफआईए लॉन्च होगी अगेंस्ट द हस्बैंड, एक्स हस्बैंड। कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जिससे आपकी डिग्निटी डिस्टर्ब होती है, स्पेशली फॉर द लेडीज, जिससे उनकी डिग्निटी इफेक्ट होती है, बिल्कुल जिससे वो ब्लैकमेल होती हैं, समन थ्रेट करता है, उसको कॉशी मैसेज यूज़ करता है, तो आपको यू शुड अप्रोच द एफआईए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानून के दायरे में मैं हूँ आपकी मेज़बान ताहिर अली राना। नाज़रीन, 21वीं सदी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी भी कहा जाता है। इस सदी ने दुनिया को अक्सर तब्दील करके रख दिया, जहाँ दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में होने लगा। इस टेक्नोलॉजी को जहाँ मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान तक पहुँचा देते हैं। इन लोगों को हैकर्स कहा जाता है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मधु किया है माहिर कानून मलिक कफील खोकर साहब से। आइए उनसे जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है, उसमें किस किस्म की सज़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। सर मुझे बताइएगा कि बेसिकली साइबर क्राइम क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसमें किस किस्म के केसेस हमारे पास आते हैं? देखिए, साइबर क्राइम इनफैक्ट इट्स अ मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है थ्रू वेब, थ्रू नेट और ऐसा जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हो, ठीक है, उस सिस्टम को, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप मिसयूज करते हैं और मिसयूज करके टू कॉज डैमेज टू समवन पर्सन्स, एनी नेचुरल पर्सन, और टू कॉज डैमेज टू द डिग्निटी और द लॉस टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन। बिल्कुल, तो उस मिसयूज के अगेंस्ट साइबर क्राइम जो एक्ट है ये इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। इसकी इससे पहले 2016 में ये एक्ट पास हुआ है असेंबली से। इससे पहले हमारे पास एक्ट था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002, सही। बट उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डैमेज या उसमें जो इंटरफेरेंस के जो फैंसिस थे वो नहीं इसको कवर कर रहे थे, सही। तो जैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया उसने वर्क किया और जैसे जैसे वो स्प्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी मॉडर्न हुई, उस मॉडर्निज्म के साथ साथ उसका मिसयूज भी हुआ, तो उस मिसयूज को कर्टेल करने के लिए और उसका जो अनऑथराइज एक्ट्स उसमें जो हुए उन एक्ट्स को कटेल करने के लिए उसको और उसमें जो जो इलीगल एक्ट्स करते हैं उनको पनिश करने के लिए इस एक्ट को फॉर्मुलेट किया गया। सही सर, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और उसमें उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, उस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या इसमें ऐसा हो रहा है, कुछ कंपनीज या कुछ लोग वो क्या करती हैं कि जो कंपनी जो ऑथराइज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट की वो एक फेक वेबसाइट बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो उसमें रिप्रेजेंट करते हैं उसको एज अ कि दिस इज एन जो जो रजिस्टर्ड वेबसाइट का उसको बताते हैं, और उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई इतने परसेंट सेल लग गई या exactly. आम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो एक फेक आईडी होता है, बिल्कुल, और जो कोई भी इस फेक आईडी को बनाता है आप उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करें एफआईए को, एफआईए उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करेगा, आईपी एड्रेस ट्रेस करने के बाद उसके अगेंस्ट एक एफआईए लॉन्च होगी और देन इट विल हैव टू फेस अ ट्रायल। अच्छा, मतलब ये कि इस किस्म की अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं तो फिर आप डायरेक्टली एफआईए को रिपोर्ट करेंगे, तो ये पुलिस या कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगी, हम एफआईए के पास पुलिस एफआईए पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, देन इट विल फाइल द चालान बिफोर द कोर्ट और देन कोर्ट विल ट्रायल इट, और फिर उसके बाद आगे ट्रायल कोर्ट के पास जाएगा। ठीक हो गया, सही है। किस किस्म के साइबर क्राइम में किस किस्म के जो है टाइप्स के हैं, अगर आप मुझे बताना चाहें इसकी? देखिए, साइबर क्राइम में डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक इसमें स्ट्रॉकिंग है, इसमें स्पैमिंग है, इसमें अनऑथराइज जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, इसमें पूरे आपके जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है द होल सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस करके उसको डैमेज करना, ठीक है, उसमें कुछ सिस्टम को कॉपी कर लेना या उसको अल्टर कर लेना, मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो भी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, सोशल मीडिया कुछ भी आ जाएगा, लाइक सोशल मीडिया, उसमें आपका इंस्टाग्राम भी है, उसका आपका फेसबुक भी है, ट्विटर भी है,
ठीक है, और जैसे लाइक हैक कर लेते हैं और समटाइम हमारी वेबसाइट को फेक आईडीज बन जाती हैं लोगों की, बन जाती हैं बिल्कुल, और डिफरेंट देयर लॉट ऑफ काइंड्स और डिफरेंट किस्म के ऑफेंसेस हैं। आजकल जो ज़्यादा ऑफेंसेस हो रहे हैं वो हैं रिगार्डिंग जो डिग्निटी ऑफ अ पर्सन को जो डिस्टर्ब कर रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। सर ये बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद ही आवाम को अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। फीमेल बहुत सी ऐसी हैं जिनके साथ इस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है और घर के घर तबाह हो जाते हैं। तो मकसद ही इस प्रोग्राम का ये है कि अवेयरनेस लोगों को दी जाए कि आप इस किस्म के कोई भी इशूज़ आपके साथ होते हैं आप FIA को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, मुझे स्पाम मैसेजेस का बताइएगा, लोगों को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका इतना इनाम निकल आया और इस तरह से, और लालच में आके अक्सर आवाम अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देती है, तो इस पे ये बताएं कि ये इस किस्म के केसेस को हम कहाँ रिपोर्ट करेंगे, FIA को रिपोर्ट करेंगे, कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे या कोई और फॉरम मौजूद है हमारे पास? देखिए, स्पैम मैसेजेस अगर तो रिपीटेडली आपको आते हैं, पहली तो बात ये है कि आपको आपकी सिम पे आ रही है, अगर आपकी सिम पे आ रही है मैसेज आपको, देन यू विल रिपोर्ट टू द PTA। ठीक है PTA विल टेक द एक्शन, और उसका एक अपना अलग से प्रोसीजर है, वो इंडिविजुअली वो खुद PTA का एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी उसके ऊपर प्रोसीड करती है। बट अगर आपको लेट्स सपोज ये मैसेज आपको वेबसाइट पे आ रहे हैं, आपको मैसेंजर पे आ रहे हैं, आपको ईमेल पे आ रहे हैं, देन यू विल रिपोर्ट टू द FIA। ठीक है, मतलब अगर आपके मोबाइल नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं तो आपने PTA को रिपोर्ट करना है, और इसके अलावा अगर आपको सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं तो फिर इसको FIA डील करना है। FIA को रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया, सही। कैसे सर मुझे बताइएगा, कोई आपके पास किस्म के फीमेल के इश्यूज अगर आ रहे हो तो आप हमसे डिस्कस करें। जी रिसेंटली इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि ये जो एक्ट है 2016 में ये पास आउट हुआ। अभी मैं केस कह रहा हूँ, एक फीमेल है, उनकी अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गई बैक इन 2012। ठीक है, 2012 में उनकी डिवोर्स हो गई। तो हस्बैंड ने ऐसे किया कि उसकी कुछ पिक्चर्स जो कि उसकी मोडेस्टी को डैमेज कर रही थी, तो आफ्टर डिवोर्स उन्होंने वो पिक्चर फेसबुक पे अपलोड कर दी। अच्छा, और टैग कर दी अपनी एक्स वाइफ को। सही। शी वाज इन अप्रोच, शी वाज नॉट, वो फिर उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली, शी वाज इन समवन एल्स। तो उन्होंने अब्रॉड बैठे हुए मेल भेजी FIA को। ये फीमेल अब्रॉड थी और सेकंड मैरिज कर चुकी हुई थी, वो सेकंड मैरिज कर चुकी हुई थी। दे उन्होंने ईमेल की सारी कंप्लेंट ऑनलाइन उन्होंने रजिस्टर करी FIA को। ठीक है, अब उसके ऊपर अच्छा तब से इन्वेस्टिगेशन बैक इन 2014 इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, बट तब लॉस ये अवेलेबल नहीं थे, तो वो FIA भी थोड़ा सा उसको डिले करता गया या वट एवर जो भी रीज़न था, उनके पास चूंकि कानून ही नहीं था। तो अब ऐसे हालात को देखते हुए 2016 के अंदर ये लॉस फॉर्मुलेट हो गया, और राइट आफ्टर दी फॉर्मुलेशन ऑफ दिस एक्ट रजिस्टर्ड, इस एक्ट के बनने के बाद, प्रमोगेशन के बाद 2016 के एंड में उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड FIA लॉन्च होगी अगेंस्ट द हस्बैंड, एक्स हस्बैंड। 2016 में, मतलब चूंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी तो उसको प्रोसीजर को काफ़ी टाइम लग गया। तो FIA लेकिन भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ये एक्ट फार्मूलेट हुआ है तो देन FIA ने उसको केस का रजिस्टर्ड कर दिया, और वो बंदे नो इज बिहाइंड द बार। ठीक, अभी आपने मुझे बताया कि 2016 में नया एक्ट आया, तो उस एक्ट का क्या नाम है? ये है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ठीक है, सही। पिन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, लाइक वही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो कोई भी पेनिट्रेट करता है इलीगली अनऑथराइज वे से, तो उसको इस एक्ट के थ्रू पनिश किया जा सकता है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है मलिक साहब के लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने जो है वो अपनी कंप्लेन लॉन्च की थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ये टाइम इतना ज़्यादा गैप क्यों आ जाता है? जैसे आपने एक केस बताया कि वो उस वक्त इन्फॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी तो उस केस को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो अब भी क्या इतना ही टाइम लगता है केसेस में? बिल्कुल नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो FIA की टीम है, मैंने देखा है, दे आर वेरी विजिलेंट। देखिए, एविडेंस क्रिएट करना पड़ती है, इफ़ समवन आपके फेसबुक पे कोई पिक्चर अपलोड कर देता है तो FIA को इट नीड्स टाइम। उन्होंने कंप्लेन के साथ साथ उस IP एड्रेस तक पहुँचना है, फिर उन्होंने देखना है अगर वो सीमसी हुआ है या किसी और कहाँ से वो अपलोड हुआ है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में टाइम तो लगता है। ठीक है, तो अदरवाइज FIA ऑफिसर्स आर वेरी विजिलेंट। ठीक है, और इन्होंने, इनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, अब तो बड़ा रैपिडली और बड़ी स्पीडली ये काम कर रहे हैं, और पनिश कोर्ट्स भी इस पे सेमी ट्रायल कर रही हैं और पनिशमेंट दे रही हैं। पनिशमेंट है क्या बेसिकली इस किस्म का? पनिशमेंट हर ऑफेंस की एक डिफरेंट पनिशमेंट है। ठीक है,
देखें एज पर लॉ जो एफ आई ए को मैक्सिमम 3 मंथ्स में, वैसे तो 14 डेज का रिमांड का टाइम होता है, 14 डेज में इनको अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी चाहिए, बट सम टाइम एविडेंस कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। केस टू केस वेरी करता है। जो सिंपल केस है जिनमें एविडेंस जल्दी कलेक्ट हो जाए तो उसमें डायरेक्टर बहुत जल्दी ट्रायल स्टार्ट करवा देते हैं, चालान सबमिट कर देते हैं, और अगर एविडेंस मिलने में टाइम लगे तो इट टेक्स टाइम। एफआईए ने चालान सबमिट करना है, उसके बाद फिर जाके केस, फिर कोर्ट इसका सबमिट ट्रायल करेगी, और आफ्टर कलेक्ट जो एफआईए ने एविडेंस कलेक्ट की होती है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है। जो मेन इसके जो है वो केसेस आते हैं, मेन टाइप्स हैं, उनके मुझे बता दें आप कि क्या क्या सजाएं हैं उनकी। मेन टाइप्स में लाइक देखें, अगर आप इंटरफेरेंस करती हैं सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन करते हैं, तो आप जो इंफॉर्मेशन वहाँ से उस सिस्टम में इंटरफेयर करने के बाद तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डिपेंड्स के वो इंफॉर्मेशन कैसी है। ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लासिफाइड, लाइक उससे आप कह लें कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, सही, टेररिज्म का इशू हो, ठीक है, ठीक है, तो इनकी ऑफेंसेस दे आर वेरी, मतलब स्टेट की प्रोटेक्शन की, कुछ इंफॉर्मेशन स्टेट की यार आप उन पर इंटरफेयर करते हैं और आप वो कलेक्ट करते हैं या उसको आप डैमेज करते हैं, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट अबाउट 7 to 10 years है। इसी तरह अगर आप ऐसी एक्टिविटी आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू या डिवाइस के थ्रू आप एक्टिविटी करते हैं जिससे सेक्टिज्म प्रमोट होता है, जिससे हेट प्रमोट होती है पब्लिक एट लार्ज में, और जिससे टेररिज्म प्रमोट होती है, ठीक है, तो ऐसे ऑफेंसेस की पनिशमेंट अप टू 14 years भी है। ठीक है, मतलब ये हाई लेवल हो गया। और वैसे अगर किसी इंफॉर्मेशन, कोई रॉन्ग कॉल कर दी या कोई इस किस्म के इशूज, आईडी फेक बना दी, उसकी इंफॉर्मेशन डाटा ले लिया और उसको ब्लैकमेल किया, देखिए रॉन्ग कॉल्स तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल इंटेंशन, ठीक है, जो एक विद डिसहोनेस्ट इंटेंशन के साथ जो एक्ट करता है। अगर एक रॉन्ग कॉल आ गया लेकिन उसकी इंटेंशन डिसहोनेस्ट नहीं है तो दिस इज नॉट अ क्राइम, ठीक है, ठीक है, और अगर समवन आपकी फेक आईडी बनाता है और जो उसकी मिनिमम पनिशमेंट है लाइक फेक आईडीज के रिलेटेड वो 3 years है। अच्छा, अंडर एज अगर कोई, अंडर एज अगर कोई, इट डिपेंड्स, देखें अगर अंडर एज अगर आप लाइक एक चाइल्ड है, वो क्राइम कमिट कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट वो जो लाइन एक्ट के तहत उसका ट्रायल होगा, ठीक है, मतलब ट्रायल उसका भी होगा कि अगर ये है कि अगर अंडर एज बच्चा इस किस्म का क्राइम कमिट करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, पनिशमेंट उसको भी मिलेगी, उसको भी मिलेगी, लेकिन उसको जो लाइन एक्ट का उसको बेनिफिट मिल जाता है, उसको बेनिफिट मिल जाता है। अगर अगर आप एक इलीगल एक्ट करते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस अगेंस्ट अ चाइल्ड, तो उसकी पनिशमेंट रिगार्डिंग टू ए मेच्योर पर्सन, मेच्योर पर्सन, तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा होती है। अच्छा, ठीक है, तो कोई जुर्माना भी है इस हवाले से? एक्जेक्टली, हर ऑफेंस के अगेंस्ट जुर्माना है, जो जुर्माना है वो 1 million और इससे ज्यादा भी बढ़ जाता है, वो डिपेंड्स अपॉन रिगार्डिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस और रिगार्डिंग द क्राइम। ठीक हो गया, आपको मैसेज देना चाहे हमारी ऑडियंस को, लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस देना चाहे पब्लिक को, तो काइंडली दीजिएगा। देखिए अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट ने लाइक उसने एक नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर द साइबर क्राइम बनाया हुआ है, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जिससे आपकी डिग्निटी डिस्टर्ब होती है, स्पेशली फॉर द लेडीज, जिससे उनकी डिग्निटी इफेक्ट होती है, जिससे वो ब्लैकमेल होती हैं, समवन थ्रेट करता है, उसको कॉशन मेजर्स यूज करता है, तो आपको यू शुड अप्रोच द FIA, ठीक है, आप जरूर जाएं। कोई हेल्पलाइन अगर हो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी एक वेबसाइट है नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर द साइबर क्राइम, ठीक है, आप उस सेंटर को अप्रोच करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कराएं, ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर, मतलब एक इजी प्रोसीजर है। यू डोंट नीड टू बी अंडर प्रेशर कि आप बिल्कुल किसी के प्रेशर में ना आए, आप फ्री हैं, आज FIA की टीम बड़ा एक्टिवली इस पे वर्क करती है, ठीक है, मतलब ये कि टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और ऑनलाइन जाके इस कंप्लेन को रजिस्टर करवाएं, ठीक है, सही है, तो अपनी कंप्लेंट्स को आप लोग रजिस्टर करें क्योंकि FIA इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये साइबर क्राइम
वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस सिलसिले में अपनी कंप्लेंट्स को फौरी तौर पे FIA को रिपोर्ट करें, या अगर आपके मोबाइल पे इस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं तो आप PTA को रिपोर्ट करें, अदरवाइज़ आपके पास पुलिस और कोर्ट मौजूद है, वहाँ जाके भी आप इस मामले में हेल्प ले सकते हैं। सर, आप हमें वक्त दिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करना था साइबर क्राइम के हवाले से, इसकी सज़ाओं के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप हमसे अपने किसी भी मसले के लिए हमारे फेसबुक पेज पे हमसे रابطہ कर सकते हैं। पंजाब सेफ स्ट्रीट अथॉरिटी का ऑफिशियल पेज मौजूद है, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज मौजूद है, ट्विटर पर, यूट्यूब पर भी आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।